नमस्ते बच्चों, बैंथम के विधि सुधार संबंधित विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार बैंथम ने ब्रिटेन की विधि, न्याय और दंड व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन किया और अपने विचार या सुझाव रखे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बैंथम ने किस प्रकार न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए अदालतों की कार्य विधि को भी आसान करने के सुझाव दिए, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के सुझाव दिए। साथ ही बैंथम ने यह भी कहा कि किस प्रकार जनसाधारण के जो अधिकार है उसकी रक्षा अदालतें कर सके। तो यहाँ पर बैंथम ने संवैधानिक विधि के बारे में भी बताया कि एक संवैधानिक विधि का प्रतिपादन होना चाहिए और यहाँ पर उसने विधियों के संहिताकरण का सुझाव दिया, प्रस्ताव रखा ब्रिटेन में। तो यहाँ तो बैंथम के जो विचार थे कि किस प्रकार विधि का संहिताकरण किया जाए ताकि उसे न्याय में आसानी हो सके, तो बैंथम ने कहा कि अदालतों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा तो उसी विधि में भी सुधार होगा। तो इस प्रकार बैंथम ने कहा कि जो कानून है ब्रिटेन का उसमें औपचारिकता, अस्पष्टता और टेक्निक या प्रावधिकता ज़्यादा होने के कारण उसमें ज़्यादा महंगी है, उसमें विलंब भी होता है और मुकदमेबाजी भी ज़्यादा बढ़ती है जिससे कि लोगों को सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार बैंथम ने इन सब स्थितियों को सुधार करने के लिए उसने कहा कि अदालतों की कार्यप्रणाली में आसान हो और उसमें सुधार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुकदमे की जो व्यवस्था है उसमें साक्ष्य की व्यवस्था भी स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही बैंथम ने जो न्यायाधीशों के बारे में जो जूरी प्रथा थी उसका भी बैंथम ने विरोध किया, क्योंकि बैंथम एक ही न्यायाधीश वाली अदालत को उचित मानता था और कहा था कि उसका मानना था कि एक न्यायाधीश जो है वो मुकदमे की सुनवाई करने में ज़्यादा सक्षम होता है। तो इस प्रकार बैंथम ने जो विधि का सिद्धांत बताया न्याय के क्षेत्र में वह एक तरह से विश्लेषणात्मक न्याय शास्त्र पर आधारित था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो अमेरिका और जो ब्रिटेन के जो विधि वेता थे उन सब ने बैंथम की उन बातों से वो परिचित थे और आगे चलकर जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में जो संसद या कानून को जो ज़्यादा महत्व दिया गया, कानून की सर्वोच्चता को, वो बैंथम की उस योजना का ही एक भाग था कि अदालतों पर किस प्रकार, क्योंकि बैंथम ने अदालतों पर संसद के नियंत्रण का समर्थन किया ताकि न्यायिक व्यवस्था में सुधार हो सके, विधिक व्यवस्था में सुधार हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंथम के जो विचार थे उसके जीवन काल में इंग्लैंड में उसको कहीं पर भी आदर नहीं मिला या उसको नहीं अपनाया गया, लेकिन उसके द्वारा प्रतिपादित जो भी सुधार थे, उसके जो विचार थे, वो बाद में अपनाए गए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बैंथम के न्याय संबंधित विचार, विधि संबंधित विचार के आधार पर ही इंग्लैंड की न्यायिक व्यवस्था में, विधि व्यवस्था में आमूलचूल सुधार किया गया और 19वीं शताब्दी में उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखें कि उसके विचारों को हालांकि एक साथ ब्रिटेन में कार्य रूप में लागू नहीं किया गया, लेकिन उसके विचारों को, विशेषतः उसके जो विचार थे कि अंग्रेजी कानूनों को संहिताबद्ध किया जाए, उसको ब्रिटेन में कभी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इंग्लैंड में एक के बाद एक जो भी वहाँ पर अधिनियम बने, उन अधिनियमों में ब्रिटेन के विधि और अदालतों संबंधित जो पूर्ण सुधार के जो विचार थे उसको अपनाया गया। तो इस प्रकार बैंथम ने विधि सुधार संबंधी कार्यों में ब्रिटेन का नेतृत्व किया और इस प्रकार न्याय प्रणाली और विधि सुधार के इतिहास में बैंथम का महत्वपूर्ण स्थान है और उसने एक प्रकार से आगे आने वाले देशों ने भी, चाहे वो भारत है, चाहे अमेरिका है, फ्रांस है, अन्य देशों ने भी बैंथम की विधि और न्याय संबंधी जो सुधार व्यवस्था थी उसको अपनाया। तो आधुनिक काल में जो भी विधि व्यवस्था में सुधार हुए हैं उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं बैंथम से ही मिली है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंथम ने न्याय शास्त्र में विधि की समस्त शाखाओं, जैसे दीवानी है, फौजदारी है, प्रक्रिया विधि है, उन सब को उसने एक प्रकार से सुधार किया और वो लागू हुई अधिकतर देशों में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंथम ने जो विधि का परंपरागत जो वर्गीकरण और प्रावधिक प्रक्रियाएँ थी उसका एक प्रकार से उसने अपने न्याय शास्त्र में उसको प्रतिष्ठित किया और इसके उसने उन प्रविधिक पद्धतियों को छोड़कर उसने स्वाभाविक पद्धतियों को अपनाया और समस्त कानूनों की जो उसने
बताया है, उसका जो वर्गीकरण बताया वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की कसौटी पर कसकर बताया। तो इस प्रकार बैंथम की जो एक विधि व्यवस्था थी वो यही थी कि राज्य की संप्रभुत ता के आदेश होते हैं। कानून तो यहाँ पर वो राज्य की संप्रभुता का स्पष्ट समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है, और संप्रभु का प्रत्येक कार्य सही होता है और उसी के आदेश कानून होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि राज्य का जो विधि निर्माण संबंधित जो काम है जिसको वो संप्रभुता मानता है उसमें उपयोगिता पर आधारित तो वह कार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार बैंथम के विचारों में हम देखें कि संप्रभुता के असीमित सिद्धांत का भी प्रतिपादन हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उसने संप्रभुता पर जो प्रतिबंध है वह जनहित पर आधारित, यानी कि जनता के हित में संप्रभु पर प्रतिबंध लगाना भी उसने उचित समझा है। अब हम थोड़ा सा बैंथम की दंड व्यवस्था संबंधित विचार पढ़ेंगे, या उसमें क्या उसने सुधार के कार्य किए या सुझाव दिए। तो बैंथम के अनुसार अपराध की जो मात्रा है, यानी कि बैंथम के अनुसार जो दंड व्यवस्था में सुधार दिया, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अपराध की मात्रा के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए, और गंभीर छोटे छोटे अपराधों के लिए गंभीर दंड नहीं होना चाहिए, और दंड का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति में सुधार लाने का होना चाहिए ताकि समाज में सुधार होने चाहिए। केवल बदले की भावना से दंड नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि दंड का पैमाना भी यहाँ पर बैंथम ने समाज कल्याण माना है, और दंड में समान भाव होना चाहिए। दंड में अपराधी को पीड़ा देने का दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, अपराध की मात्रा के अनुसार दंड का निर्धारण होना चाहिए, और अपराधी को अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी होनी चाहिए, दंड में सुधार की भावना होनी चाहिए, और दंड ऐसा हो जो जो एक प्रकार से व्यक्ति को सुधार ने की भावना पर आधारित हो। तो इस प्रकार बैंथम का जो दंड संबंधित जो विचार थे वो भी उपयोगिता पर आधारित थे, और यहाँ पर उसने कहा है कि दंड की पीड़ा जो है वो अपराध के लाभ से उसकी जो जो व्यक्ति को जो दंड जो मिलता है उसकी पीड़ा उसको कम होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति को कहाँ पर उसको उसके लिए अच्छाई हो। तो यहाँ पर बैंथम ने इंग्लैंड के दंड संबंधित जो भी कानून थे, जो नियम थे, उसका उसने विरोध किया, और उसने जो दंड व्यवस्था थी उसमें निवारक और सुधारात्मक सिद्धांत का उसने समर्थन किया, और कहा कि दंड अपने आप में एक बुराई होती है, इसीलिए उसने कहा कि जो जो अपराधी में जो सुधार की भावना वो महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार उपयोगिता के हित में व्यक्ति में बुराइयों का निराकरण करना जरूरी है। और इस प्रकार बैंथम ने उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर दंड और अपराध का विवेचन किया है, और उसने यही कहा है कि दंड का एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति में सुधार लाना होना चाहिए। तो यहाँ पर बैंथम के जो दंड संबंधित जो योजना है उसमें जो सुधार है वो लोकहित की प्रेरणा है उसमें, और यहाँ पर बैंथम का यही कहना है कि जो जो जेलों में जो उसने बताया, जेलों के सुधार पर भी बैंथम ने बल दिया कि अधिकतर जो समय है जेलों का जो धन जो ब्रिटेन का जो अधिकतर समय या धन है वो जेलों पर खर्च हुआ, लेकिन वो जेलों की व्यवस्था में भी सुधार का समर्थक था, क्योंकि वो यहाँ पर उसकी जो एक चिंता थी वह सामान्य जनता के हितों को लेकर थी, न कि किसी गरीब या बालकों या स्त्रियों के उद्धार को लेकर थी। तो इस प्रकार बैंथम ने दंड संबंधी व्यवस्था में जेलों की व्यवस्था में सुधार के लिए भी उसने काम किया या सुझाव दिया। तो इस प्रकार बैंथम एक ऐसा महान सुधारवादी विचारक था जिसने राजनीतिक और शैक्षणिक अनेक क्षेत्रों में सुधार किया। यहाँ पर उसने ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसमें उसने ब्रिटेन के राजतंत्र का कुलीन तंत्र का विरोध किया, और उसकी शासन व्यवस्था में सुधार के भी सुझाव दिए ताकि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति की जा सके। तो उसने ब्रिटिश शासन को उसने गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित करने का समर्थन किया ताकि जो विधि निर्माण है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित हो सके। तो इस प्रकार बैंथम ने जेली व्यवस्था में सुधार के लिए जो सुझाव दिए थे उसमें उसने कैदी जो थे उनके लिए विभिन्न रोजगार और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था का सुझाव दिया, और कैदियों के चारित्रिक सुधार के लिए भी उसने उनको नैतिक और विभिन्न धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं भी उसने प्रस्तावित की। तो इस प्रकार बैंथम ने शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार के लिए उसने विभिन्न सुझाव दिए,
क्योंकि वो कहता था कि वो उसका जो विचार था कि शिक्षा जो है वो राज्य का एक काम है और वो सर्वसाधारण के लिए होनी चाहिए, जो कि व्यक्ति को अनुशासित बना सके और व्यक्ति को सदाचारी बना सके। तो इस प्रकार बेंथम के जो सुधारवादी विचार हैं वो हमने पढ़े कि किस प्रकार बेंथम ने अपने व्यवहारिक विचारों से ब्रिटिश न्याय और विधि व्यवस्था में व्यवहारिक सुधार के लिए एक आंदोलन छोड़ा, और इस आधार पर ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल सुधार भी हुए और 19वीं शताब्दी के अंत तक उसमें पूर्णतः सुधार हुआ, क्योंकि उसने ब्रिटेन की विधि को संहिताबद्ध करने का जो विचार प्रतिपादित किया वो उसके रहते हुए उसको कभी नहीं अपनाया गया। लेकिन उसके जाने के बाद इंग्लैंड में एक के बाद एक विभिन्न सुधार अधिनियम बनाकर ब्रिटेन की विधि और न्यायिक व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया गया। ब्रिटेन के विचारों का विश्वव्यापी प्रभाव भी पड़ा और अनेक देशों ने उसकी सुधार योजनाओं को अपनाया, उसके उपयोगितावादी विचारों को अपनाया। तो इस आधार पर जो बेंथम है एक सुधारवादी विचारक के रूप में राजनीतिक शास्त्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उसने इस सुधारवादी आंदोलन के द्वारा ब्रिटेन में एक प्रकार से सुधारवादी पद्धति को जन्म दिया क्रांति के स्थान पर। तो इस प्रकार बेंथम का जो योगदान है वो सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।